हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी और सबको प्यार भरी सत श्रीकाल अपने हाल चाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बहुत सारी लेडीज मेरे साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं जो इस जर्नी से गुजर रही हैं प्रेगनेंसी की ब्यूटीफुल जर्नी से तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट फॉर दिस जर्नी और भगवान जी आपको एक हेल्दी सा बेबी जो है आपकी गोदी में ला बहुत सारी खुशियाँ दे मैं आपके साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी कमेंट्स आते थे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए लेकिन आप सबको पता है मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है ऊपर से हेल्थ इश्यूज़ हैं तो फिर मैं नहीं कर पाती थी लेकिन कल कुछ कमेंट इस तरह से आए जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए क्योंकि जब आप अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करते हैं हम किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ हम रिलेट करते हैं एक अच्छी पॉजिटिविटी हमें मिलती है है ना तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा मैं अपनी बात करूं तो ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मेरी सेकेंड है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी 2015 में मेरी बेटी आई एम ब्लेस्ड कि मेरी जो फर्स्ट औलाद है वो मेरी बेटी है जो इस साल आठ साल की होने वाली है उसके बाद मैंने कंसीव नहीं किया था चार पाँच साल मैं खुद ही कंसीव नहीं करना चाहती थी क्योंकि Uh, मुझे सिंगल हैंडेडली अपनी बेटी को पालना पड़ा बहुत सारे हमारी ऐसे इश्यूज थे uh, मेरी सासू माँ जो हैं वो थोड़ी सी उनको दिक्कत थी फ़िज़िकल इश्यूज थे जिस वजह से मुझे सारा कुछ अकेले ही करना था तो मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी इतनी जल्दी नहीं चाहिए थी बिकॉज uh, मैं चाहती थी मेरी बेटी थोड़ी सी स्टेबल हो जाए उसकी एज अच्छी हो जाए ऊपर से मुझे फ़िज़िकल इश्यूज मुझे हेल्थ इश्यूज थे उसके बाद मुझे कुछ दिक्कत हुई मुझे डिप्रेशन हो गया और फिर मुझे कंसीव तो होता था लेकिन वो जो है सक्सेसफुल नहीं होता था मुझे दो बार मिस हुआ एंड फिर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हुई लेकिन वो ट्विन्स प्रेगनेंसी थी और बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाए तो अबॉड कराना पड़ा उसके बाद दिस इज़ माय सक्सेसफुल प्रेगनेंसी जो मैंने प्लान की है अच्छे से और आपका ये बहुत क्वेश्चन होता है कि नेचुरल है तो जी हाँ इट्स टोटली नेचुरल विदाउट मेडिसिन बस मैंने अपना अच्छे से इलाज कराया मेरे अंदर क्या कमी थी मेरे यूट्रस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी मेन प्रॉब्लम मेरा डिप्रेशन था और उसकी वजह से जो चीज़ें होती थी वो ही मेन प्रॉब्लम थी तो मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था उसके लिए तू डॉक्टर बहुत ही अच्छे मुझे मिले बहुत तेज थे ही वॉज़ एटी फाइव ईयर्स ओल्ड एंड वो मुझे बोलते थे कि मुझे दादू ही बोलना है अब वो एक्सपायर हो गए हैं तो मैं उनको दादू ही बुलाती थी उन्हें मैं पता नहीं क्यों वो इतनी पसंद थी बहुत प्यार करते थे मुझे तो उन्होंने मेरी जर्नी सक्सेसफुल बनाई और मैंने नैचुरल फिर है उसके बाद जब उनको लगा कि अभी मेरा डिप्रेशन कंट्रोल में है उसकी वजह से जो भी मुझे दिक्कत थी वो अब कंट्रोल में है तो नाउ बेटा यू कैन कंसीव तो उसके बाद मैंने कंसीव किया और फर्स्ट टाइम पे ही भगवान जी ने मुझे ब्लेस किया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा uh, जब मतलब मेरा डेज uh, थे लास्ट वाले मेन्सिस के अराउंड बहुत सारे मेरे साथ सिम्टम्स हुए थे मेरी बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी मैंने कंसीव की जिस तरह मुझे डॉक्टर ने बताया था जिस तरह से मेडिकल टर्म्स होनी चाहिए हमारे बॉडी में चेंजेस होने चाहिए वैसे ही हुआ Uh, उसी तरह से मुझे एबनॉमिनल पेन रहता था मीन्स कहने का शॉर्टकट बात बताऊं तो मुझे uh, टेस्ट करने से पहले ही पता था कि मैंने कंसीव कर चुकी हूं जो मेरे साथ मुझे डॉक्टर ने बताया था कि इस इस तरह से होना चाहिए उसी उसी तरह से हुआ था तो मैंने पहले ही पता था उन दिनों हमारी जो थी मैरिज एनिवर्सरी थी और हमारे घर में स्पेशली रिलेटेड टू माय हस्बैंड अगर उनका बर्थडे आता है हमारी एनिवर्सरी आती है हमारी बेटी का बर्थडे आता है तीनों मतलब ये तीन जो होते हैं मेरा बर्थडे तो चलो केक कट लिया ओके okay. उन तीनों में मैं क्या करती हूँ कि बाबा जी हमारे हैं यहाँ पे एक जो हम मान्यता है Uh, मैं थोड़ा शब्द कीर्तन घर में रखती हूँ तो हमारी एनिवर्सरी पे छोटा सा हमने फंक्शन किया था जिसमें मैं बहुत बिजी थी मैंने बहुत काम किया दो तीन दिन चालीस uh, पचास बंदों का खाना अपने हाथ से बनाया तो थकावट बहुत हो चुकी थी लेकिन मुझे पता भी था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ तो मुझे अपना ध्यान भी रखना था लेकिन सब टचवुड अच्छा हुआ लेकिन उन दिनों जब वो एक फेज़ आता है जब यू हैव टू टेस्ट आपका पीरियड डेट मिस हो गया है उन दिनों में तीन दिन बहुत बीमार रही थी आ, शायद थकावट की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से वैसा होना चाहिए मुझे वैसा ही हुआ डॉक्टर सेड ये वन ओवर जो आपकी जो पीरियड डेट है मिस होगी तो आपको फीवर आना चाहिए वॉमिट होनी चाहिए आ, नोजिया मतलब बहुत फील होना चाहिए आप टमी अपसेट होना चाहिए और टचवुड मुझे सब कुछ वही हुआ और दीज आर सिम्टम्स ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी मुझे वही हुआ तीन दिन मैंने कुछ नहीं खाया नोजिया हो गया मुझे मेरे पेट में इतनी गैस थी यहाँ यहाँ तक भर के आ रही थी फीवर हो गया मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था तो टेस्ट किया वो सही आया फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहा है क्योंकि मुझे पता था पूरी अच्छी सी मेरी जानकारी थी कि मुझे कैसे अपने नोज़िया को हैंडल करना है तो उस तरह से मैं कर रही थी खाने पीने की बात करूँ तो मुझे ये चीज़ें पता थी के तीन महीने कम ही खाया जाता है छोटे छोटे पोर्शंस में खाना है थोड़ा थोड़ा खाना है जो चीज़ डाइजेस्ट हो रही है वही खानी है दूध के पीछे नहीं भागना है कि पहले ही देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप ऐसा मत करो कि मुझे हेल्दी खाना है हेल्दी खाना है मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है जिन जो लेडीज पचा पा रही हैं जिनको नोजिया नहीं है खा रही हैं दैट्स गुड अगर आपको नोजिया हो रहा है आपको वॉमिट हो रही है आपको फीवर हो रहा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है स्पेशली आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपकी डाइट अगर कम भी आ रही है कोई बात नहीं थोड़ी थोड़ी चीज आए वो खाए मेरा ये फंडा है कि अच्छा है वॉमिट करने की बजाय अगर मैं कम कम खा रही हूँ लेकिन आपको अगर नोजिया है तो आपको अपनी डाइट कम नहीं करनी है इन द सेंस कि मुझे कुछ खाया नहीं जा रहा तो मैं भूखी ही रह लूँ वो वाला काम नहीं करना है आधी चपाती खा लीजिए सूखी खाई जा रही है तो सूखी खा लीजिए घर वाले ये बोल देते हैं कि तू खाएगी नहीं तो बच्चों को क्या लगेगा तू खाती नहीं है तू सुखी होगी है तू पतली होगी है तो दुबली हो गई है लेकिन जितना आपसे डाइजेस्ट हो रहा है जो चीज़ आपसे डाइजेस्ट हो रही है वो खाए वर्कलोड मेरा बहुत ज़्यादा था उन दिनों मैं अपनी शॉप भी देखती थी फिलहाल तो मैं शॉप बिल्कुल ही मेरी केयर टेकर देखती है मैं बिल्कुल ही शॉप पर नहीं जाती हूँ बच्चे के साथ आपको पता है स्कूल गोइंग बच्चा है उसका चार टाइम का खाना सुबह उसको ब्रेकफास्ट लंच दे के भेजना उसकी पढ़ाई ये सब मैं अकेले हैंडल करती थी मेरे अब भी करती हूँ हस्बैंड बाहर हैं बीच में छुट्टी आते हैं उन दिनों बहुत हेल्प हो जाती है तो वो सारी चीज़ें उनको हैंडल करती थी हरिथ्वी को भेज देना स्कूल के लिए उसके बाद से अपने लिए रेस्ट का टाइम निकालना सबके लिए लंच बनाना ये सब करती थी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरे खाने पे बैन लगा हुआ था मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था जब मैं खा लेती थी उसके बाद वॉमिट वॉमिट वामिट ऐसा मन करता था वॉमिट होती थी कई बार नहीं भी होती थी तो उसी हिसाब से मैं पोर्शंस कंट्रोल करके खाती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाज ओके ओके नींद बहुत ज़्यादा आती थी बहुत सोती थी बहुत सोती थी ऐसा होता था काम खत्म करके सो और वही काम मैं करती थी खाना बनाया सो गई शॉप पे गई हूँ शॉप पे जाके सो गई ये काम ही करती थी मैं और uh, बाकी सब मेरा ठीक ठीक ही चल रहा था uh, फीवर मुझे टाइफाइड रहता है लेकिन वो कंट्रोल में था क्योंकि मुझे पहले ही डॉक्टर ने उस हिसाब से मेडिसिन जो है वो दे दी थी तो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देखनी पड़ी क्योंकि मैं हर चीज़ को प्लान करके चल रही थी हर चीज़ देखिए चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं आ... कि अब मुझे हैंडल करनी आ गई है एट नाइन ईयर्स गोइंग तो टू बी माई मैरिज तो अपना हेल्थ स्पेशली हैंडल करनी आ गई है क्योंकि मैं हेल्थ की तरफ से बहुत दुखी हूँ स्पेशली डिप्रेशन और विदाउट मेडिसिन डिप्रेशन को संभालना वेरी टफ जॉब और इतना वर्कलोड होने के बाद बहुत बड़ा ये आपके लिए टास्क होता है तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपने डिप्रेशन को कंट्रोल में रखना ये मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क ज़रूर था फर्स्ट ट्राइमेस्टर वैसे ही टफ होता है है ना जैसे मैंने आपको बताया नींद बहुत आ रही है चल नहीं पा रही हूँ काम भी ख़त्म करना है ऊपर से सफाई का कीड़ा मुझ में बहुत ज़्यादा है तो मैं चीज़ों को बैलेंस करके मैनेज करके चल रही थी इसलिए मुझे अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था फर्स्ट थ्री मंथ थे बहुत ज़्यादा बर्डन इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं खाने के पीछे नहीं भागी कि मुझे खाना है मुझे दबा के खाना है बच्चे को भी लगेगा इस चीज़ के पीछे मैं नहीं भागी मैंने सिर्फ पोर्शंस को कंट्रोल किया जितना मुझे डाइजेस्ट हो रहा था मैंने उतना खाया डॉक्टर के टच में रही जिस तरह से मुझे डॉक्टर ने बोला मैंने वैसे ही किया मुझे जूस बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जूस के पास बिल्कुल भी नहीं गई अगर मैं जूस पीती भी थी तो उसके साथ कुछ ना कुछ चपाती वगैरह सूखा खाती थी ताँ जो लिक्विड है वो सीधा ही नीचे चला जाए यहाँ रुके ही ना मुझे एसिड की प्रॉब्लम हुई ना इस तरह से मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकाला विदाउट मेडिसिन डिप्रेशन को कंट्रोल किया योगा किया भगवान का नाम बहुत लिया बहुत लिया मानेंगे तीन तीन बार पाठ करती थी जब मुझे जो मेरा ट्रिगर है डिप्रेशन का जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन है जब वो चीज़ें मुझे ट्रिगर करती थी मैं अपना पार्ट उठाती थी अपने सोने वाली जगह पे जहाँ पे मैं सोती हूँ वहीं पे मैं पाठ करती थी और बस ये चीज़ जो है वो मुझे हेल्पफुल रही बाकी सब सही सही ही गया इतना ज़्यादा बर्डन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चीज़ें समझ में आ गई है। चीज़े हैं चीज़ें हैंडल में हो गई हैं दैट्स वाई अदरवाइज मेरा फर्स्ट टाइम एस्टर वैसा ही गया जैसा मेरी पहली प्रेगनेंसी में था वो टफ इसलिए लगता था कि उस टाइम पर वॉमिट बहुत आती थी कुछ समझ में ही नहीं आता था क्या करने क्या नहीं करने बहुत सारी अजीब सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो मुझे करनी होती थी अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर ज़्यादा हैं लेकिन आई नो हाउ टू मैनेज ये एक जो लाइन है ना कि नाउ आई नो हाउ टू मैनेज हाउ टू बैलेंस ये इस चीज़ ने मेरा पूरी प्रेगनेंसी में बहुत साथ दिया आप सब पूछते हो कि आप इतना एक्टिव कैसे रहते हो मेरी लाइफ में भी लो डेज आते हैं चाहे वो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था सेकंड था चाहे अब है बहुत लो डेज आते हैं इस टाइम पे भी मुझे फीवर है लेकिन मैंने अपने बच्चे को नाश्ता भी अच्छे से दिया है और मुझे लंच भी अच्छे से बनाना है वाई बिकॉज मेरा स्ट्रांगली बिलीव भगवान में है कर्मा में है नंबर तीन अक्कल आ गई है हाउ टू मैनेज हाउ टू डील हाउ टू गिव प्रायोरिटीज सबको देखती हूँ ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ जितनी मेरे हिस्से में जिम्मेदारी आती है वो मैं करती हूँ तो आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं कोशिश करूंगी आपके साथ जो है वो ऐसी वीडियोस और शेयर कर सकूं थैंक यू वेरी मच आपका दिन शुभ हो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से जाए मुझे ही पता है एक हेल्दी बेबी जब हाथों में आता है ना तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी टचवुड जब हृथ्वी मेरे हाथों में आई थी ना तो मुझे तब सुकून मिला था वो भी ऐसी थी तो अब जब ये वाला बेबी मेरे हाथों में आएगा तो वो तो खुशी मेरी अप्रम पार होगी क्योंकि मेरी जिंदगी में अब यही चीज एक सबसे बड़ी खुशी है मिल रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में या ब्लॉग में बस आजकल ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हृथ्वी के एग्जाम चल रहे हैं ऊपर से मेरी तबीयत बहुत खराब रह रही है फीवर हो जाता है तो बर्डन कम ले रही हूँ थैंक यू वेरी मच बाय बाय